दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट के बारे में, इसके उपयोग, फायदे, नुकसान, साथ ही साथ इसकी MRP, इसके सब्स्टिट्यूट ब्रांड, किस किस इंडिकेशन में इस मेडिसिन को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें मायोस्टाल 550 मिलीग्राम है यानी 550 mg है, डी कायरोनिस्टाल दोस्तों इसमें 13.8 mg है, और मेटफॉर्मिन दोस्तों इस पर 500 mg है, एलमिथाइल फोलेट कैल्शियम है दोस्तों 0.5 mg, मेथाइल कोबैलामिन भी दोस्तों इसमें 750 माइक्रोग्राम दिया हुआ है यानी 750 mcg दिया हुआ है। इतने सारे कंपोजिशन से मिलकर के दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके MRP के बारे में। तो दोस्तों इसका जो एक स्ट्रिप का MRP होता है, कीमत होता है, वह 290 रुपये होता है, यानी 290 रुपये में आप इसे किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों समय के अनुसार इसकी MRP बढ़ती रहती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट के यूज के बारे में। दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट कई दवाओं से मिलकर के बनी हुई एक टैबलेट है, जिसका इस्तेमाल बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि PCOS के इलाज में किया जाता है। दोस्तों यह फीमेल इनफर्टिलिटी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, यानी महिला बांझपन वाली जो प्रॉब्लम होती है, यह सबसे ज़्यादा महिला बांझपन वाली प्रॉब्लम में रिकमेंड की जाने वाली मेडिसिन होती है। दोस्तों यह PCOS में ओवुलेशन और पीरियड के दौरान जो प्रॉब्लम होती है, यानी पीरियड अगर सही से पेशेंट का नहीं आता है तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ दोस्तों यह इंसुलिन के लिए शरीर की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है और हार्मोन को संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि दोस्तों फीमेल्स में अगर जो है उनका हार्मोन्स इरेगुलर है, हार्मोन्स नियमित तरीके से नहीं कार्य करता है, हार्मोनल डिसबैलेंस वाली प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ होने लगती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इन सारे केसेस में दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है, जिससे पेशेंट का जो मेंसेस रहता है वह भी रेगुलर हो जाता है, साथ ही साथ PCOD वाली जो प्रॉब्लम रहती है यानी मोटापे वाली प्रॉब्लम रहती है वो भी सही होती है, PCOS वाली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली जो प्रॉब्लम रहती है वह भी सही हो जाती है। ये सारे दोस्तों बेनिफिट्स ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट लेने के बाद पेशेंट में होते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट किस तरह से कार्य करती है। तो दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट 5 दवाओं का मिश्रण है, जिसमें मायोस्टाल, डिकायनोस्टाल, मेटफॉर्मिन, एलमेथाइल फोलेट और मेथाइल कोबालामिन, ये सारे जो है मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मिलकर के बनी हुई हैं। ये दवाएं दोस्तों इंसुलिन के लिए शरीर की प्रतिक्रिया को बढ़ाकर जो हानिकारक होमोसिस्टीन वाले जो लेवल बढ़े रहते हैं उसको जो है नियंत्रित करते हैं और हार्मोनल बैलेंस को सुधार करते हैं। PCOS में दोस्तों ओवुलेशन और मासिक चक्र जो भी रहती है उसको नियमित करते हैं, और इस तरह से ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट कार्य करती है और पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाती है और उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों थे ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट के। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सब्स्टिट्यूट ब्रांड के बारे में। तो यदि आपको ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट किसी मेडिकल स्टोर पर बाई चांस ना मिल पा रही हो तो आप जो है मेडपीसीओ केयर टैबलेट ले सकते हैं, माई कायरो टैबलेट ले सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप ट्रेजर या फोर्ड के नाम से एक ब्रांड आता है उसे ले सकते हैं, या फिर दोस्तों सिस्टोरिड टैबलेट भी खरीद सकते हैं। ये सारे दोस्तों इसके सब्स्टिट्यूट ब्रांड थे। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट के कोई विशेष साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। इससे जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे स्वाद में बदलाव, मिसली आना, उल्टी आना, पेट में दर्द, भूख में कमी, ये सब छोटे मोटे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अधिकांश मामलों में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे लेते रहते हैं तो कुछ समय के बाद में जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ये अपने आप जो है ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, ये सारी जानकारी थी ऑप्टिमाइज प्लस टैबलेट के बारे में। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।